तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और ये मेरा न्यू ब्लॉग, मेरा फर्स्ट ब्लॉग है मेरे चैनल पर। आप सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद में आप वीडियो देखना इमदान से बैठ के। तो सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल, आजकल आपको पता है सीजन चल रहा है पहाड़ी तोते का, और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई हम एक पहाड़ी तोता पाल लें और उसे बोलना सिखाएं, उसे फ्रेंडली हो जाए। तो ऐसा ही कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो भी लोग पहाड़ी तोते पालते हैं, जो भी लोग पहाड़ी पैरट पालते हैं, उनके लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो बच्चे लेके आते हैं पहाड़ी तोते के, 20 दिन का बच्चा, 25 दिन का बच्चा, एक महीने का बच्चा, तो उनको क्या खिलाया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक उसका फार्मूला होता है हैंड फीडिंग फार्मूला। तो हैंड फीडिंग फार्मूला हर कोई एफर्ट नहीं कर पाता, तो इसलिए हम दिखाएंगे घरेलू। घरेलू में लोग सत्तू खिलाते हैं, सेरेलैक खिलाते हैं, ये चीज़ बिल्कुल भी ना खिलाएं। अगर आप घरेलू तरीके से एक पैरट के बच्चे को पालना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है हेल्दी खाना, जिससे कि वो जल्दी ग्रोथ पकड़े और जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास सबसे अच्छा और सबसे सस्ता फार्मूला है दाल। दाल कौन सी? चने की दाल। तो आइए शुरू करते हैं, मैं बताता हूँ आपको चने की दाल एक पैरट के बेबी को किस तरीके से देनी है और कितनी देनी है। ये हमने दाल ले ली है, अब इस दाल को हम भीगने के लिए रखेंगे। तो पहले इसमें पानी ले लेते हैं, फिर उसके बाद इसको भीगने के लिए रखते हैं। तो ये हमने पानी ले लिया है और अच्छे से दाल को हमने भिगो लिया है। भिगोने के बाद हम इसे रख देते हैं और ढक के रखें ताकि इसमें कुछ गिरे ना। तो ये हमने रख दिया है और इसको हमने ढक भी लिया है। गाइस, अब ये दाल फूल चुकी है और अब इसको उबालने का समय आ गया है, तो उबाल लेते हैं इसको। उबालने के बाद फिर इसका पेस्ट बनाएंगे। हमने पेस्ट बना के तैयार कर लिया है बिल्कुल। ये देखो पेस्ट बन गया है, बहुत गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनाया है हमने, जिससे कि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें हम थोड़ा सा गर्म पानी डाल लेंगे, जिससे कि गुनगुना भी हो जाएगा। तो चलिए अब खिलाते हैं अपने पैरेट को। मैंने इसका सेटअप बनाया हुआ है और देखो इसमें मेरा बेबी पैरट रहता है। अभी ये भूखा है, तो भूख के कारण ये देखो खाना मांग रहा है। बल्ब लगाया हुआ है जिससे कि इसमें गर्मी रहे, गर्मी बनी रहे। और नीचे ही मैंने कुछ भूसा डाल दिया है। तो अभी अपने बेबी पैरट को निकाल लेते हैं और उससे पहले बिछा लेते हैं यहाँ पर ये बिछाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे चद्दर भी गंदी नहीं होगी और दूसरा हमारा बेबी पैरट भी आराम से इस पर बैठ जाएगा। देखो आ जाओ छोटू लाल, मिट्ठू जी आ जाओ। अब सबसे इसमें सबसे पहली बात ये है कि अपने बेबी पैरट को आप खाना जब ही दीजिएगा जब उसका ये देखो पेट बिल्कुल, ये पेट बिल्कुल चिपक जाए। तो बिल्कुल भी गलती ऐसी ना करें कि आपके घर में एक बेबी पैरट हो और आप उसे खाना खिलाए जाए। अब मैं इसे खिलाता हूँ, ये ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, तो आपका बेबी पैरट बड़ा आराम से खाएगा और पतला, जितना अच्छा पतला होगा। आप देख रहे हो मैंने कितना पतला बनाया हुआ है, तो जितना पतला होगा उतना अच्छे से आपका बेबी पैरट फीड करेगा और उतना हेल्दी होता चला जाएगा। तो और इसे एक बार में 10 से 12 चम्मच खिलाएं, उससे ज़्यादा ना खिलाएं। अगर आप 10 से 12 चम्मच खिलाते हो तो उसमें बेबी पैरट कई बार दिक्कत करने लगता है, बड़े ही आराम से बेबी पैरट खा लेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने है ना चम्मच जो है ना ये ऐसे कर्व की हुई है, तो उससे क्या है कर्व चम्मच की वजह से ना नॉर्मली ये बहुत आराम से खा लेता है। इसका भूख का टाइम भी हो गया है और मैं इसे फीड करा लेता हूँ। तो मैंने बेबी पैरट को पूरा फीड करा दिया है और फीड कराने के बाद बस अब देखो भाई ये मांगता ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो बच्चा ही, इसे नहीं पता कितना खाना है। तो मैंने इसे खिला दिया है, खिलाने के बाद अब मैंने ये देख लिया है और अब ये जब तक डाइजेस्ट नहीं हो जाएगा बिल्कुल तब तक मैं इसे दोबारा नहीं खिलाऊंगा, वरना देखो ये दोबारा मांगेगा। भाई ये होते हैं बच्चे, और बच्चों को आप जितना खिलाओगे वो खा लेगा, अपनी हेल्थ का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखेगा।
तो ऐसा ना करें बिल्कुल भी, और उतना ही खिलाएं जितना कि आपके हिसाब से बेटर है, ना कि बच्चे के हिसाब से। तो यही है, तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेबी पैरेट को पालने के लिए और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो ये हमारा आज का फर्स्ट व्लॉग था, आप देख रहे होंगे बेबी पैरेट ने अच्छे से खाना खा लिया है और ये इसका पेट भी भर गया है। तो इसके बाद अपने बेबी पैरेट को हम इसमें दोबारा से रख देंगे। तो ये हमारा बेबी पैरेट था, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को शेयर करें। जय श्री राम, जय श्री श्याम।